हरे कृष्ण। तो कितने लोग संध्या आरती का अर्थ जानते हैं? संध्या आरती जब हम गाते हैं, बस माता जी जानते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो किबो जय जयो गोरा चांदेर आरती को शोभा। किबो मीन्स माता जी जी, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। कभी कभी नहीं, किब मीन्स जैसे हम बोलते हैं आहे नील शैल प्रबल मत्त बारण। तो आहे मतलब आहे क्यों बोलते हैं? हाँ, तो हे क्यों बोलते हैं? हाँ, ये एनोटेशन है, कॉलिंग। किसी को बुलाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना। अलग अलग बहुत शब्द हैं, ओ हे आहा अहो, है ना। तो अलग अलग शब्दों में, तो बंगाली में है किबे किबा। तो किबा इसलिए बोलना कंपलसरी नहीं है, वो ब्रैकेट में है। जयो जय गोरा चांदेर। गौर कौन है? गौर कौन है? गौर चैतन्य। क्यों? हाँ, राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। वो कृष्ण है पर राधा रानी के भाव और उनकी द्युति, द्युति मतलब शरीर की चमक। और शरीर की चमक तो हम जानते हैं राधा रानी की क्या है, तप्त कांचन गौरांगी। कंचन मतलब सोना और तप्त मतलब पिघला हुआ। उस रंग की, उस सुनहरे रंग की श्रीमती राधा रानी का रंग है, इसलिए चैतन्य महापुरुष का भी वैसा ही है। तो एक फोटो भी है, एक असली फोटो जो राजा प्रताप रुद्र जो ओडिशा के राजा थे, उन्होंने फोटो बनवाया था चैतन्य महापुरुष का, अभी भी है वो। देखा आप लोगों ने ओरिजिनल फोटो? उसमें महाप्रभु क्या एक ऐसे लाल कपड़ा टाइप का पहने हुए हैं और बहुत सुंदर। वो असली फोटो है, वो इस्कॉन वालों ने नहीं बनाया है, वो 400-500 साल पुराना है। मिल जाएगा, आप ऑनलाइन देखिए, यूट्यूब गूगल पे। राजा प्रताप रुद्र बनवाए थे। तो फोटो मतलब पेंटिंग। तो गोरा चांदेर, चैतन्य महापुरुष को चांद से कंपेयर किया है, उपमा दी गई है चांद से। क्यों? किस तरीके का? चांद की तरह। चांद सुनहरा होता है क्या? गोल्ड व्हाइट होता है? ये फर्जी वाला गोल्ड है जरूर। क्या बात कर रहे हो? ओके, वो कुछ और होगा गोल्डन। व्हाइट गोल्ड है, प्लैटिनम जैसा है। प्लैटिनम हाँ, प्लैटिनम तो एक अलग। नहीं, प्लैटिनम का जैसे दिखता है वो व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड ओके, होता बट है। एटलीस्ट वेदिक स्क्रिप्चर में तो गोल्ड मतलब सुनहरा ही होता है। हो सकता है आजकल कुछ गोल्ड ऐसा सब्सटेंस आ गया हो। चांद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे चंद्रमा क्या करता है, हमको शीतलता देता है। भारत जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे जनरली गर्मी रहती है। तो शाम को चांद की जो किरणें हैं वो शांति देती हैं, नहीं आनंद देती हैं, ठंडक देती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि कोटि चंद्र सुशीतल। क्या है उसका पहला लाइन? नित्यानंद प्रकार में गीत है, निताई निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु का जो चरण का आश्रय है वो ऐसा है मानो कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ शीतलता ठंडक दे रहे हों, इस प्रकार का है। तो ऐसे ही गोरा चांदेर इस प्रकार से, और चांद की तरह चमक रहे हैं शाम के समय। तो देखिए, भगवान कृष्ण रासलीला करते थे पर उसमें वो अलाउ नहीं करते थे किसी को, है ना। बहुत कम लोगों को, हम लोग गाते हैं ना क्या, जय रास मंडल जय जय राधे श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम। तो रास लीला मनोरम है लेकिन सबको मिलती नहीं है, एक्सेस नहीं है। कोई
कोई उसमें जा नहीं सकता, शिव जी को भी अलाउ नहीं किया गया, तो इसलिए शिव जी जो है वो गोपी का रूप लिए। कितने लोग गए गोपीश्वर महादेव, आप देखे होंगे भगवान शिव को नथनी पहनाई जाती है, साड़ी पहनाई जाती है, गोपी की तरह ड्रेस करते हैं। तो अगर उसमें रासलीला में जाना है तो उसी ड्रेस में जाना पड़ेगा, उसी तरीके से जाना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी जो हैं वो भी इस रासलीला को एंजॉय करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही हैं, अभी भी वो ब्रज में तपस्या कर रही हैं हजारों साल से, लेकिन उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। पता है क्यों? हाँ हाँ, ये जो वृंदावन की भक्ति है ये रागानुगा भक्ति है। तो रागानुगा भक्ति का मतलब होता है राग यानी कि शुद्ध प्रेम, अनुग मतलब पीछे पीछे चलना। तो जिनका शुद्ध प्रेम है रागात्मिक भक्त के पीछे पीछे चलना, उनकी बात मानना, उनके जैसे निर्देशों को मानना। तो जो रागात्मिक भक्त हैं जैसे कि गोपियाँ है ना, और खासकर श्रीमती राधा रानी, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो क्योंकि अगर जिसको ब्रज में माधुर्य प्रेम का स्वाद करना है उसको गोपियों के आश्रम में जाना पड़ेगा, पर लक्ष्मी देवी का कहना है कि ये गोपियाँ हैं तो साधारण ग्वाल बालन हैं, और मैं विष्णु की शक्ति हूँ, मैं कैसे इन गोपियों के अंडर जा सकती हूँ। तो भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक उनको तपस्या करनी पड़ेगी, उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है। एनीवे, तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो भी ऐसे ही थे, जब वो नवद्वीप में थे तो श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, तो किसी और को कीर्तन में अलाउ नहीं होता था, केवल जो भक्तों को इन्विटेशन दिया गया वही अलाउ होते थे। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उस कृपा को चारों ओर है ना घर घर नगर नगर तक पहुंचाया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शीतलता है जो खासकर शाम के समय वो संकीर्तन करते थे, रात के समय संकीर्तन करते थे इस प्रकार से। आरती को शोभा, उनकी आरती शोभायमान है, बहुत ही ग्रैंड है, पॉम्पस, बहुत आनंद आता है इसको देख के। जाह्नवी तट बने जग मन लोभा, जाह्नवी मतलब हाँ गंगा, गंगा को जाह्नवी भी बोलते हैं। क्यों जी? हाँ, एक मुनि थे जानू, उनके वो एक जगह है, आप लोग जाएंगे जब नवद्वीप मायापुर, तो जानू बनो बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो उनका कुछ आचमन था, तो वो आचमन बिल्कुल वो नदी तट पे थे, गंगा तट पे, तो गलती से वो उसमें गिर गया। अब इतनी बड़ी नदी है वो तो कहाँ का कहाँ चला गया, तो उन्होंने गंगा को कहा कि मेरा लौटा दो मेरा आचमन। हाँ, तो यहाँ तो बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, गंगा जी नहीं लौटाती, आचमन क्या लौटाएंगे। तो कुछ उत्तर नहीं मिला, तो जानू मुनि को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी योगी शक्ति से सारी गंगा को पी लिया, उसको निगल लिया सारा पानी। मतलब इसको बोलते हैं कि राई को ढूंढने के लिए पहाड़ को ख़त्म कर देना, जब पानी नहीं रहेगा तो हमारा आचमन कैसे घूमेगा। पूरी पूरी गंगा को वो पी गए। तो फिर गंगा देवी ने क्षमा याचना की कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी इस बात को नहीं समझ पाई, आपकी स्थिति को। तो फिर जानू मुनि ने उनको अपने शरीर से बाहर निकाला, और क्योंकि उन्होंने लैब से बाहर निकाला, लैब मतलब क्या होता है ओडिया में, जंगा, क्योंकि वहाँ से उन्होंने निकाला, जांग से, लैब से, जो कि बेटी का स्थान होता है, बेटी को वहाँ पे बिठाते हैं, बेटी को ही नहीं तो बहू को, लाइक दैट। तो इसलिए उनको नाम पड़ गया जानू पुत्री यानी कि जाह्नवी। तो ये गंगा देवी का वहाँ पे नाम है। तो जाह्नवी तट बने जग मन लोहा, जो गंगा किनारे जो वन है, जो नवद्वीप के जो वन है वहाँ पे वो सारी दुनिया को मोह रहे हैं। दक्षिण निताई चांद बामे गदाधर, उनके दाहिने हाथ की ओर है नित्यानंद प्रभु और बाई तरफ कौन है, गदाधर पंडित। तो
नित्यानंद प्रभु कौन है, किसके अवतार है नित्यानंद प्रभु? बलराम के अवतार है, है ना। कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर खा बहुत फेमस, शिला प्रभुपाद जी का फेवरेट गीत जानते हैं आप लोग? प्रभुपाद जी का फेवरेट गीत, हाँ श्याम तुम्हारा कौन सा है फेवरेट गीत? शिला प्रभुपाद का फेवरेट गीत जानते हो तुम? प्रभुपाद जी का फेवरेट गीत है हरी हरी बिफले जन्म गोवाइनु, नरोत्तम दास ठाकुर का। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनु। तो उसमें ही आता है ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई। तो बलराम जो है वो नित्यानंद प्रभु। तो दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर, गदाधर कौन है? जगन्नाथ, राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु फिर कौन है? तो जब राधा रानी आई गई है चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो अलग से आने की क्या जरूरत है? बताइए बताइए ऐसा क्यों होगा? हाँ हाँ जी सही बोल रहे हैं, राधा रानी के प्रेम को जानने के लिए कृष्ण आए हैं भक्त के रूप में, फिर गदाधर पंडित क्या करने आए? मतलब वो राधा रानी गदाधर के रूप में क्यों आई है? कृष्ण का साथ, तो वो तो कृष्ण के साथ है ऑलरेडी, उसमें महाप्रभु दोनों हैं। हमारे गुरु महाराज भक्तिचार्य महाराज बोलते थे ऐसे मजाक में कि कृष्ण ने बोला कि मैं तुम्हारा भाव लेके जाऊंगा भूलोक में, और तुमको जो आनंद मिलता है मुझसे प्रेम करके उस आनंद को मैं महसूस करूंगा। तो श्रीमती राधा रानी विचार की चलो चल के देखते हैं कैसा ये करेंगे, कैसा रोल प्ले करेंगे, तो देखने के लिए आ गई। बल्कि बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित है चंद्रकांता, जो एक फेमस सखी है। अभी चंद्रकांता कौन है? चंद्रकांता राधा रानी का ही प्रकाश है। तो गदाधर पंडित राधा रानी है लेकिन उनमें महाभाव नहीं है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी, जो हम सुनते हैं भक्ति के नौ स्तर होते हैं, जानते हो शिवम प्रभु भक्ति के नौ स्तर? आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ऐसे ऐसे कर करके। तो अल्टीमेटली हमारा हाईएस्ट क्या होता है? प्रेम। अब प्रेम भी आठ प्रकार का होता है, प्रेम में भी आठ स्तर होते हैं। हनुमान जी भी प्रेम करते हैं, प्रहलाद महाराज भी प्रेम करते हैं, सीता माँ भी प्रेम करती है, राधा रानी प्रेम करती है, पर सबके प्रेम का इंटीमेसी अलग अलग है, एक नहीं है। तो उसमें होता है भाव महा ऐसे अति भाव प्रतिभाव क्या क्या करके, अल्टीमेटली महाभाव। तो महाभाव केवल तीन लोगों को मिला है आज तक, ओनली तीन। किस किस को जानते हैं? ओ 7:30 बज गया, ठीक है। तो एक तो मैंने बोला ना महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी, मतलब प्रेम का जो सबसे ऊंचा स्तर हो सकता है, जो भी लगता बढ़ता जा रहा है, वो है श्रीमती राधा रानी। और दूसरे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो राधा रानी है। और तीसरे है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी को ये महाभाव का मिला था, और किसी को नहीं मिला आज तक, किसी भी भक्त को वो स्थिति नहीं मिली है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग सेकेंडरी हैं और ये ऐसे बात नहीं, बट राधा रानी जो है वो एक प्रकार से कृष्ण ही है, तो इसलिए उनसे कंपैरिजन करना भी गलत है। एनीवे, तो श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि उसको कोई जीव समझ नहीं सकता, ये उसके जितना वो समझाना चाहे उतना ही वो समझेंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ सकते, इवन कृष्ण भी नहीं समझ सकते कि कृष्ण का कितना शक्ति है, उनका कितना प्रेम है, वो भी नहीं खुद नहीं समझ सकते। उनकी ऐश्वर्य शक्ति और उनके प्रेम शक्ति के बीच में हमेशा एक कंपैरिजन होता रहता है, कंपटीशन कौन ज़्यादा है। तो ये सब बड़े
मतलब कॉम्प्लेक्स विषय हैं, बड़े कठिन विषय हैं। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी यानी कि राधा रानी महाभाव के साथ है हमेशा, तो जब उनका महाभाव अलग कर लिया जाए तब जो बचता है वो है चंद्रकांता, ये गदाधर। तो इसलिए गदाधर पंडित जो थे बहुत सीरियस थे, बचपन से बहुत शांत थे, और चैतन्य महाप्रभु एकदम नटखट, शैतान, खतरनाक बालक थे। वो किसी को नहीं छोड़ते थे, बचपन में रोते थे इसलिए उनको फिर चुप कराना पड़ता था कीर्तन करके। जो बालिकाएं जाती थीं गंगा तट पर शिव जी की आराधना करने, तो वो सारा प्रसाद, सारा भोग खा जाते थे। हाँ, कोई ऋषि जाके तपस्या कर रहे हैं, उनका पैर खींच के उनको गिरा देते थे। बहुत शैतानी करते थे बचपन में, कृष्ण की तरह थे वो। लेकिन गदाधर पंडित बहुत सीरियस थे बचपन से ही, बहुत सिंसियर, बहुत श्री राम की तरह थे वो, मतलब एकदम अच्छे अच्छे बच्चे। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आ गए बौद्ध गया से, और बल्कि उनके अंदर महाभाव का प्रकाश होने लगा, हर कभी रोते थे, हर कभी चिल्लाते थे, हाँ इस प्रकार से। तो एक दिन बहुत जोर से रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, बहुत रो रहे थे। हाँ, तो गदाधर पंडित ने उनको चुप कराने के लिए बोला, तुम मत रो, निमाई मत रहो, कृष्ण जो है तुम्हारे हृदय में है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो अपने नाखून से अपनी छाती फाड़ने लगे, हृदय में है, चली इसको फाड़ो, मैं कृष्ण को देखूंगा। तो वो अपना नाखून मारने लगे, तो गदाधर पंडित को डर लग गया, अब क्या बोलूँ उनको मैं। तो फिर वो उनको बोले, नहीं नहीं अभी वो कुछ काम के लिए थोड़ा बाहर गए हैं, वो कुछ देर के बाद आएंगे, तब तक तुम उनका इंतजार करो। तो फिर कृष्ण, थोड़ा चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए। तो ये दृश्य जो है सची माता दूर से देख रही थी, सची माता ने देखा ये क्या हो रहा है। तो इस कारण से सची माता ने गदाधर पंडित से ये वादा लिया कि तुम कभी भी निमाई को छोड़ना मत, उसके पास में रहना, क्योंकि वो तो भाव में कहाँ कहाँ चला जाता है, तुम थोड़ा उसके पास में रहना और उसको तुम जो है उसकी रक्षा करना। तो ये उनका भी एक वादा था। इस कारण से जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पुरी में रह रहे थे और गदाधर पंडित जी तोटा गोपीनाथ में क्षेत्र संन्यास ले लिए थे, और जब महाप्रभु जाना चाहते थे वृंदावन, नहीं तो इसके बाहर, पुरी के बाहर, तो गदाधर उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो फिर महाप्रभु ने उनको याद दिलाया था कि आपको नहीं जाना है, आपने संन्यास लिया है, और उनको रोकते हैं वो। आपने देखा होगा चैतन्य चरितमानस में फोटो है, ऐसे महाप्रभु उनको रोक रहे हैं। तो ये पास की बात है, कोई बोलता है कटक की बात है, पता नहीं कहाँ का है, मतलब पुरी शायद वहाँ तब पहले कटक तक था, जो भी है। तो हाँ, तो गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी है, लेकिन महाभाव में नहीं है ना, वो यह कृष्ण को देखने के लिए आई कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, इसलिए दोनों के नेचर में अंतर है थोड़ा थोड़ा। तो दक्षिणे निताय चांद बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रधर, उनके पास में खड़े हैं अद्वैत आचार्य, जिनका कल आविर्भाव दिवस था, कल प्रभु जी ने लेक्चर भी दिया। और श्रीनिवास छत्रधर वो छाता लेके खड़े हुए हैं। अब प्रश्न है, श्रीनिवास यहाँ पे कहाँ से आ गए? पंचतत्व कौन कौन से हैं श्याम, बताओ पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य, हाँ तो पंचतत्व में तो श्रीनिवास का नाम ही नहीं है, वो कहाँ से आ गए यहाँ बीच में? कौन श्रीनिवास है इधर? ये एक प्रश्न मेरे को सालों से था, सालों से मैं ढूंढ रहा था भैया श्रीनिवास कहाँ से इसमें आ गए, और मैं बहुत भक्तों से पूछा, नहीं पर यहाँ श्रीवास थोड़े ना बोलते। निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रधर, आप देखिए शब्दों को देखिए, तो क्योंकि श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो तो 100 साल के बाद या एटलीस्ट 50-60 साल के बाद जब लोग चले जाएंगे तब आएंगे, श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, वो तो बहुत बात की बात है। तो श्रीनिवास कहाँ से बीच में आ गए, बहुत दिनों तक
मैं ये सोच रहा था, फिर एक प्रभु जी ने अच्छा बताया कि एक्चुअली श्री मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मतलब कई चीज़ें हैं, सुंदरता और बहुत कुछ, पर श्री मतलब लक्ष्मी। तो भगवान का नाम है श्रीनिवास। दक्षिण भारत में आप तिरुपति जाएंगे सभी बोलते हैं श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेश्वर गोविंदा, है ना, ये वहाँ पे चलता रहता है हमेशा। तो श्रीनिवास, तो श्रीवास ठाकुर का एक्चुअली नाम श्रीनिवास भी है, और कभी कभी श्रीनिवास को शॉर्ट में श्रीवास बोला जाता है। उन्होंने एक जगह से रेफरेंस करके बताया ऐसे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये बात सही है। तो श्रीवास मतलब, श्रीनिवास मतलब श्रीवास ठाकुर की बात हो रही है। और श्रीवास कौन है, किन के अवतार हैं वो? नारद मुनि के, है ना। तो ये हमने पहला लाइन देखा कि वह जय जय गोरा चांदेर आरती को शोभा, जानवी तट वने जग मन लोभा, दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर, निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्रधर। ठीक है, तो फिर हम अगली बार और इसको देखेंगे आगे। आठ स्टैंजा है। पतित पावन भगवान शिशि गौ निताय की जय, शिशि पंच तत्व की जय, शिशि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, समवेत भक्तरिंद की जय, निताय गौर प्रमानंदी।